एंड वेलकम टू माय चैनल फुकरा सिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों आज मैं आपको महिंद्रा का दो ऑटो रिक्शा दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक टोटो दिखाया था, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अच्छा, नहीं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे आप टोटो में सवारी लेके आ जा सकते, तो ऐसे ये महिंद्रा का दो ऑटो रिक्शा है जिसमें आप सवारी लेके ले आ जा सकते हो। तो आप अगर कोई अपने एरिया में बिजनेस खोलने का प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ करने का, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि शोरूम खोलना अपने एरिया में, तो आप इनके पास से डीलरशिप भी ले सकते हो। आपको अगर उनके शोरूम का एड्रेस चाहिए या फिर और बाकी की डिटेल चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी डिटेल दे दूंगा मैं। और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्यादा बकबक ना करते हैं, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम बेनियाल दास। आपका शोरूम का नाम बता सकते हो? शोरूम का नाम है न्यू बीवी एंटरप्राइज। ये शोरूम कहाँ पर है? दमदम कैंटोनमेंट है। इसका टोटल फुल एड्रेस है 8x8 डॉक्टर कोयलेंद्र कॉलोनी, अपोजिट ऑफ सेंट्रल जेल मैदान, कोलकाता 28। आप क्या हो इस शोरूम का? मैं कंपनी का एरिया मैनेजर। आप एरिया मैनेजर हो। आपके पास अभी क्या क्या मॉडल अवेलेबल है? सर फिलहाल मेरा पास फिलहाल मतलब मेरा पास अभी दो ही मॉडल है महिंद्रा का, जो नया दो निकला है। एक है महिंद्रा ई अल्फा मिनी, इसका पास आपका 7 टाइप्स ऑफ वेराइटी कलर मिल जाएगा आपको। दूसरा है आपका महिंद्रा क्लियो प्यारी, इसका थोड़ा सा टॉप स्पीड माइलेज चार्जिंग टाइम बता सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं बता पाएंगे। एक नंबर है, इसका टॉप स्पीड है आपका 26 और इसका माइलेज देता है सर आपका 75-80 माइलेज देता है। और चार्जिंग होने में टाइम सर 8 to 9 hours, 8 घंटे से 9 घंटे। इसमें बैटरी कौन सा लगा हुआ है? इसमें एक साइड का 120 एम्पीयर का 400 बैटरी लगा हुआ है, जैसे 400 एम्पीयर और हर एक बैटरी का 12 वोल्ट करके है, 400 बैटरी का 48 वोल्ट है। ये ERI अप्रूव है, आई कार्ड अप्रूव है? आई कार्ड अप्रूव है। थोड़ा सा आप इसका गारंटी वारंटी के बारे में बता सकते हो? हाँ, बता पाएंगे आप। अगर इसका बैटरी का जो इस टाइप का जो बैटरी है, 120 एम्पीयर का 400 बैटरी है, 480 एम्पीयर और 48 वोल्ट,
इसका वारंटी है आपका एक साल का, और गाड़ी का बॉडी, गाड़ी का मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, वाइपर, मोटर, इसका जो है इसका आपका एक साल का वारंटी है। अगर इसका पुर्जा वगैरह कुछ खराब हो जाए तो उसको सर्विसिंग के लिए कहाँ लेके जाना? सर्विसिंग के लिए तो मेरा पास, मेरा इधर ही है, जो डीवी एंटरप्राइज के सर्विस सेंटर है, तो इसका बड़ा कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डायरेक्टली महिंद्रा का जो मेन वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भेज सकते। अगर किसी का सपोज उनका एरिया वो लेके नहीं आ सकते, घर से खराब हो गया, तो आप सर्विसमैन भेजते हो क्या? हम लोग का फ्लाइंग सर्विसमैन है, जो जाके कोई रास्ते में खराब हुआ, उसका घर में खराब हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उधर जाके वो लोग कम्प्लीटली चेकअप करते हैं। अच्छा, अगर कोई खरीदने से पहले एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहे तो ये पॉसिबल है? अवेलेबल है। इसको चलाने के लिए लाइसेंस डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? गवर्नमेंट से कुछ इशू नहीं हुआ इसका लाइसेंस के, कोई भी लेके मतलब चला सकते हैं अपने एरिया में? कोई भी ले सकते हैं। खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट? खरीदने के लिए अगर कैश में जाएंगे तो आपका पैन, आधार, वोटर, सिर्फ यही लगेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, प्रॉपर होना चाहिए, इसके आधारित पर आप लोग गाड़ी आपको दे पाएंगे। इसका ई एम आई? हाँ, ई एम आई मतलब है सर आपका फाइनेंस कर रहे हैं, आपका टोटल कुछ कुछ बैंक भी फाइनेंस कर रहा है, जैसे SBI बैंक कर रहा है फाइनेंस, यूको बैंक फाइनेंस कर रहा है, उज्जीवन बैंक फाइनेंस कर रहा है, इनको बैंक फाइनेंस कर रहा है, इसको छोड़ के महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस करता है। ओके, आप थोड़ा सा इसका पेमेंट का तरीका बता सकते हो? हाँ सर, पेमेंट का तरीका क्यों नहीं बता पाएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपका डाउन पेमेंट 7 टाइप ऑफ क्राइटेरिया डाउन पेमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और आपका उज्जीवन में आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा, उज्जीवन में भी है, और यूको भी हो जाएगा, SBI में भी हो जाएगा। आप थोड़ा सा गाड़ी के फीचर्स के बारे में बता सकते हो? हाँ, एकदम सर, एक्चुअली गाड़ी में 400 टायर लगा हुआ है, आपको 300 टायर देख कर लगा हुआ है, 300 टायर जो है जेट का टायर है, जेट का टायर है, और गाड़ी का अंदर एक स्पेसिंग है वो भी जेट का है, गाड़ी में टेलीस्कोपिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर है गाड़ी में, इसका गाड़ी में गाड़ी का जो गेज है बहुत मोटा पत्ती से गाड़ी बना हुआ है, मेटल बॉडी है, गाड़ी का जो हैंडल है पूरा ऑटो का जैसा है, इसलिए आप गाड़ी का कैटरिंग से भी गाड़ी को काटा सकते हैं, हैंडलिंग मूविंग कर सकते हैं, गाड़ी में तीनों टाइप का ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी में इसको फ्रंट ब्रेक मिलेगा, इसको हाथ हैंड ब्रेक बोलते हैं, फ्रंट ब्रेक है, लेग ब्रेक है, ऐसे इसके छोटे भी पार्किंग ब्रेक है, कोई भी जगह में कोई भी किसी भी उम्र का आदमी गाड़ी चला सकता है, एक्सीडेंट होने का डर नहीं है, इससे गाड़ी में आपका बिलिंग पोजीशन में गाड़ी का जाएंगे तो हम लोग उसको गाड़ी का हार्ट बोलते हैं, हार्ट मतलब उसका जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं हृदय बोलते हैं, हार्ट, हार्ट गाड़ी का हार्ट है, गाड़ी का बैटरी में, तो गाड़ी का बैटरी क्या दिया है कंपनी सोच के, बहुत अच्छा बैटरी दिया है, इसमें एक्सेक कंपनी का बैटरी दिया है, एक्सेक कंपनी का 100 एम्पियर का 400 बैटरी है, जबकि 480 एम्पियर, और हर एक बैटरी में 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट 48 वोल्ट, 400 बैटरी में 48 वोल्ट, गाड़ी में बैटरी लॉकिंग जोड़ है, ऐसे आपको बैटरी जैसे चोरी नहीं होगा, इसलिए गाड़ी का इंटर लॉक है, बाहर से भी आप लॉकिंग कर सकते हैं, इससे आपको बैटरी चोरी नहीं होगा, गाड़ी में पैसेंजर या ड्राइवर का सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, गाड़ी के ऊपर में जो कैनोपी लगा हुआ है वो आपका यूवी प्रोटेक्शन कैनोपी है, जिससे कस्टमर का गाड़ी में बैठने के बाद सफोकेशन ना हो, इसलिए अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन कैनोपी लगा हुआ है, गाड़ी में आपको 7 टाइप्स ऑफ कलर मिल जाएगा गाड़ी का, जैसे लाल मिलेगा, रेड मिलेगा, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, और एक तो मल्टी कलर, जैसे ऑटो का जैसे कलर होता है, ग्रीन एंड येलो को मिक्सिंग करके एक तो कलर है, ऑटो कलर जिसको बोलते हैं, गाड़ी का जो मोटर है वो 1000 वाट का है, इसलिए गाड़ी कोई भी जगह पे जैसे कोई गिर जाए, कोई बड़ा गड्ढा है रास्ते में, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी जैसे भी घुसे चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गाड़ी का सामने आपका हाइड्रोलिक कवर हुआ है, इसमें पाप्पी लगा हुआ है, इसमें आपका बैलेंसिंग रखा है, गाड़ी का सामने का टायर जो है थोड़ा ज्यादा है, मोटा है, और पीछे का टायर थोड़ा पतला है, इसलिए गाड़ी का जो वेट है उसका वेट का कंट्रोल होता बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी ऐसे बना है, तो अभी फिलहाल हम लोग का ये गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पब्लिक से गाड़ी अच्छा भी चल रहा है, मार्केट 3 साल से गाड़ी चल रहा है, बहुत अच्छा है, इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगर इस शोरूम के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको प्राइस भी मिल जाएगा और शोरूम के बारे में मिल जाएगा, आपको अगर गाड़ी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके गाड़ी के बारे में भी डिटेल में जान सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Stay tuned for more innovation insider videos.